हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई अ HD पोर्ट्रेट स्केचिंग, सो आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने बेसिक स्केच कर रखा है और स्केच कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैंने जो शेडिंग है वो स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ शेडिंग के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्कर पोर्शंस है, तो डार्कर पोर्शन के लिए मैंने सारा का सारा चारकोल पेंसिल यूज़ किया है। सिंपली मैं यहाँ पे आईज़ को, नोज और लिप्स इन सबको ऐसे ही कवर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं डार्कर पोर्शंस को कवर कर रही हूँ, तो जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डार्कर टोन दिख रहा है मैं उनको सबसे पहले कर रही हूँ। एंड देन इनको करने के बाद फिर मैं इनको ब्लेंड कर दूँगी। तो मैं ब्लेंड करने के लिए अक्सर मेकअप ब्रश का यूज़ करती हूँ, और जो बहुत ज़्यादा स्मॉल एरियाज होते हैं वहाँ के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टोन का भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रश से थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे ब्लेंड करना, तो इस वजह से मैं थोड़ा ब्लेंडिंग स्टोन का भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप भी आसानी से इसे कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्यूटिप या फिर कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ना मिले या फिर आप तुरंत कुछ करना चाहें, कुछ यूनिक सा। तो आप ज़रूरी नहीं कि इन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करें, थोड़े डिफरेंट मटेरियल होंगे तो चलेगा। यहाँ पे मैंने लिप्स में जो डार्कर टोन है वो दे दिया था, पर लास्ट में मैं हाईलाइट दे रही हूँ। हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे वाइट यहाँ पे इरेजर का पेंसिल इरेजर यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो पेंसिल इरेजर के बजाय एक्रोलिक पेंट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत थिन ब्रश पे वाइट स्पेस को लाने के लिए। एक्रोलिक पेंट ईजिली अवेलेबल होता है वाइट, तो और वो थोड़ा चीपर भी होता है, तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों को खरीदना या फिर उसको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल इरेजर थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इस वजह से। एज अ बिगिनर आप इजिली से ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो पक्का बन जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो जो आपका टीथ है और जो आईज के अंदर एरिया है, तो वहाँ पे हमेशा आपका कंप्लीट वाइट नहीं होता, आपका हल्का वाला शैडो की वजह से आपको थोड़ा डार्क टोन देना पड़ेगा, मतलब हल्का शेड करना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे पाएगा आपका। कंप्लीट वाइट कम ही छोड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंप्लीट वाइट हमेशा हाईलाइट्स में ही आता है, सो वो अवॉइड करें कि कंप्लीट वाइट, कोई भी वाइट चीज़ को सोच के कंप्लीट वाइट ना छोड़े बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पे फिंगर्स को कर रही हूँ, नेल्स को कर रही हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट फोटो है, तो इस वजह से जो नेल है वो भी ब्लैक कलर का है, वैसे उस पर पेंट हो रखा तो इस वजह से वो ब्लैक हो रखा। बाकी शेडोज़ वगैरह को मैं कर ले रही हूँ डार्क पेंसिल से, क्योंकि डार्क टोन दे रखा है शेडोज़ में। और यहाँ मैंने कोई भी पेंसिल से लाइन्स वगैरह लगा के या कोई शेड करके पेंसिल से नहीं ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट चारकोल के जो डस्ट होते हैं वो मैंने चारकोल यूज़ किया, इस वजह चारकोल के डस्ट से मैंने ये जितना भी शेड किया है वो उसी से किया है, ब्रश को लेके और चारकोल के डस्ट का यूज़ करके मैंने सारा ब्लेंड किया है। और यहाँ पे ये जो पेपर है, जो मैं पेपर बना रही हूँ पटा हुआ, उस पेपर के जो शेडोज को मैं नीचे चारकोल पेंसिल से डार्क डार्क टोन थे तो मैंने उनको दिए हैं लास्ट में।
यहाँ पर मैंने कैमलिन चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, और कहीं कहीं पे जो मैंने हल्का बहुत जैसे ये एरिया जो मैं करूँ वहाँ मैं पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चारकोल के डस्ट को यूज़ करने की वजह से वो सेम कलर आया था। और अक्सर क्या होता है, चारकोल का जो डस्ट होता है उससे शेडिंग का कलर और आपके ग्रेफाइट का कलर दोनों डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट थोड़ा लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू चारकोल, तो इस वजह से जो उसके डस्ट से भी जो शेडिंग होती है वो चारकोल के डस्ट से वो डार्क होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट। नाउ इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट। बस यहाँ पे मैं आप जो आईज़ है आईज़ के लैशेज को बना दूँगी, वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था क्योंकि उसके लिए आपको पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प करके ही करना है, तो इस वजह से मैंने वो लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि मैं आराम से शार्प करके पेंसिल को फिर बनाऊँगी। तो या नाउ इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट। शायद मैं शेडोज़ को देखे, सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon for further notification. I will see you soon with another video. Till then, take care. Bye-bye.